शिक्षक नियमावली को लेकर घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है सुनिए आप। देखिए, महागठबंधन के सरकार तुगलक की फरमान जारी की है। शिक्षकों ने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो नए फ्रेशर हैं उनके साथ उनका एग्जाम नहीं लिया जाए, लंबे वक्त से वो पठन पाठन के कार्य में लगे हुए हैं और राज्य सरकार के अन्य जो कई योजनाएं हैं उसमें भी इनकी सहभागिता रहती है। अगर इन्हें कोई जांच परीक्षा लेनी है तो अलग से भी ले सकते थे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो नई व्यवस्था की है उस पर शिक्षक संगठनों की आपत्ति है और ऐसे दौर में जो सरकार ने एक प्रक्रिया के तहत इसको जारी किया है, अब ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि एक संवाद और आपस में एक सहमति बनाने का रास्ता है। इसलिए शिक्षक संगठन भी निश्चित रूप से ऐसे तमाम मामले को संज्ञान में लेकर के कोई न कोई सम्यक रास्ता निकालेंगे। विभागीय प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया तो चलते ही रहेगी, विभागीय समीक्षा बैठक होते रहेगी, दिशा निर्देश अनुदेश जारी होते रहेगा, सहमति और असहमति की गुंजाइश रहेगी, इसी बीच में काम करना है। शिक्षक भाइयों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो भी उनके हित की बात होगी वो नीतीश तेजस्वी की सरकार ही करेगी। उनको जो भी उनकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं इस सरकार से, ये सरकार उनके उम्मीदों को, आशाओं को पूरा करेगी, लेकिन थोड़ा उनको धैर्य रखना चाहिए। आज जन सुराज शिक्षकों के सम्मान और अधिकार के लिए लड़ने को तैयार हो चुका है। और एक बात बता दें कि सरकार धमकी देना बंद करे, सरकार शिक्षकों और शिक्षकों के सिर्फ अधिकार नहीं सम्मान के लिए समाज के साथ वो जुड़ सकें और बच्चों को पढ़ाने के लिए बात समय हो, ये प्रश्न मैंने सदन में भी उठाया था। हालांकि शिक्षा मंत्री उसमें गोलमटोल जवाब देकर झूठ बोल के निकल गए थे, लेकिन वो चलेगा नहीं। ये मानकर चलिए कि शिक्षकों को छोड़ना पड़ेगा कि बच्चों को पढ़ाएं वो और पढ़ाएं और सम्मान पाएं। और नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं कि राजकर्मी की दर्जा उन्हें मिले बिना परीक्षा लिए, तो वर्षों से राज्य की सेवा दे रहे हैं, शिक्षा में सेवा दे रहे हैं, फिर दोबारा परीक्षा क्यों? ये मेरा भी मानना है कि उन्हें बिना परीक्षा के ही राजकर्मी की दर्जा मिलना चाहिए। नियोजित शिक्षकों की मांग जायज है।